कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा, कौन कहा कौन कहा कौन कहा कौन कहा। अब सुनामी का 500 करोड़ मेरे नाम, हम अपने पेमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। वाह, मान गए, बहुत तेज हो। ये है मायावी कलियुग की पाप। मानव बम, मानव अंगों का व्यापार, ये तो हमने किसी युग में न देखा न सुना स्वामी। उसके पिता जग्गू जौहरी तेरे मौसा के कातिल है और मेरा सगा भाई। अगर इन फोटोग्राफ को देखने के बाद वो सच की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमें उनका साथ देना होगा। आप ठीक कह रही हैं। मिसेस श्रीवास्तव, अन्याय करना अगर पाप है तो अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है, और आप जैसी औरतें ही मर्दों का दिमाग आसमान तक पहुंचाती हैं। अंकल, अंकल गजब हो गया। जिस फोटोग्राफर ने आरसी साहब की शादी की तस्वीरें खींची थी उसे मार दिया गया। उसकी लाश किसी गंदे नाले में सड़ी हुई हालत में मिली अंकल। हाँ चित्रांश, इसके पीछे जरूर किसी की कोई गहरी साजिश है। अरे काहे की साजिश अंकल, ये सब आरसी साहब का करा था रहा है। अपने सबूत मिटाने की कोशिश की होगी उन्होंने। नहीं चित्रांश, मैं आरसी को सालों से जानता हूँ, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। मैं विश्वास करने को तैयार नहीं। अंकल ये तो ठीक है आपने आरसी अंकल की शादी की तस्वीरें देख ली, अगर आपने नहीं देखी होती तब तो आप यही कहते कि आरसी वो तो दूसरी शादी करने की सोच भी नहीं सकता है। दूसरी शादी करना अलग बात है, किसी का कत्ल करना अलग बात है। मैं जानता हूं अंकल वो अलग बात है, लेकिन आरसी अंकल की मति भ्रष्ट हो चुकी है, और फिर ये भी तो हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये कदम लिया। चित्रांश ये कत्ल का मामला है, कत्ल का, और आरसी इस शहर का माना हुआ असरदार आदमी है। जब तक सबूत नहीं मिल जाता ये सब बस बातें भर है, बस बातें भर। सबूत जानता हूं अंकल कि आज मेरे पास आरसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि मैं आपके सामने पेश कर सकूं, लेकिन अंकल हम सबको महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पाप के पीछे आरसी है। अरे अंकल काहे के सबूत, काहे के चश्मदीद गवाह। अरे असली आंखें तो ये कण कण में व्याप्त श्री चित्रगुप्त जी की आंखें, और अंकल भला इनकी आंखों से आज तक किसी का पाप छिपा है क्या? नहीं, कभी नहीं। हे चित्रगुप्त जी, काश ये पापी बस सिर्फ आपको समझ जाते तो। पर और पाप नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। पाप पुण्य का लेखा जो इंडस्ट्री में बरसों अपना सिक्का चलाने वाला आज रूप रानी की चौखट पर, हमारे तो दिन बदल गए। अब तक तो हमारे दिन इतने बुरे नहीं आए रूप रानी कि हमें किसी की चौखट पर यहाँ पर यूं इंतजार करना पड़े। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी तो? जरूर आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।
फिल्म लाइन में हमारे सितारे तो ना चमक सके वीरू जी, लेकिन हमारे घर पर आकर आपने हमें मगरूर जरूर कर दिया। गजब कर दिया आपने वीरू जी। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ये आपकी जरा नवाजी है। एक प्लान है, किसी अमीर जादे को फंसाना है। प्लान मेरा, दाम तुम दो, जो मांगो पैसा उतना दूंगा। और वैसे भी उस अमीरजादे को तुम तो क्या, सारी दुनिया जानती है। उसका नाम है डॉलर किंग मिस्टर प्रेम। शुक्रिया वीरू जी, जो इतने बड़े काम के लिए आपने हमारे बारे में सोचा, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। हम किसी और को जुबान दे चुके हैं। देखो रूप रानी, गलती मेरी भी है। दरअसल मैंने तुम्हें जिंदगी भर अंडर एस्टिमेट किया, तुम्हें कभी भी सीरियसली नहीं लिया। और मैंने उर्वशी नाम की एक एक्ट्रेस का सिक्का जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में चलाया है। लेकिन एनीवे, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, क्योंकि तुम में और उर्वशी में जमीन आसमान का फर्क है। तुम में वो खूबसूरती है, तुम्हारी हर एक बात में एक अदायगी है, तुम्हारी आंखों में कशिश है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम जुबान की पक्की हो। गलती आपसे हुई वीरू जी, लेकिन तबाही हमारी हो गई। हमारा फिल्म स्टार बनने का ख्वाब अधूरा रह गया, और अब ना ही वो उम्र रही और ना ही वो उमंगे। लेकिन हाँ, अब रूप रानी सिर्फ पैसों के लिए जीती है, सिर्फ पैसों के लिए। पर ये शौक अब तक बाकी है रूप रानी में। मैं हूं ना, इसलिए तो मैं यहां पर आया हूं। अगर प्लान सक्सेसफुल हो गया तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। और पैसों की बात तो छोड़ो, मैं तुम्हें लेकर एक फिल्म बनाऊंगा, बल्कि राइटर से कहूंगा कि तुम्हें जहन में रखकर वैसी स्क्रिप्ट लिखी जाए। ये मेरा वादा है तुमसे। शायद तब की इच्छा अब पूरी हो जाए। ना वीरू जी, अब फिल्मी ख्वाब बिल्कुल नहीं। सच सच वीरू जी, आपकी फिल्म लाइन ने तो ख्वाब दिखा दिखा कर ख्वाबों का मजा ही किरकिरा कर दिया। लेकिन अब पैसों के लिए सोच सकती है रूप रानी। कम ऑन डार्लिंग, तो सोचो, जल्दी से सोच और मुझे बता, क्योंकि मेरा ही शिकार, मेरा ही निशाना और मैं ही घायल, क्योंकि वीरू ने गलत तरकश से तीर चलाया। सोच, जल्दी सोच कर बता। तो जनाब, कल आप हमारे घर पर तशरीफ जरूर लाइए, फिर हम आपको जवाब देंगे हाँ या ना, क्योंकि हम दूसरों की तरह किसी को झूठे ख्वाब दिखाकर मार डालना नहीं चाहते। कमाल है यार, एक जमाना था जब मैं आपसे कहता था कि कल आना, और अब आज आप हमसे कह रही हैं कि कल आइएगा। कोई बात नहीं, इसी के नाम जिंदगी है। चलते हैं रूप रानी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड आई होप आप इस पर अमल करेंगी। जी जरूर। सोचेंगे केके को कब सब्जेक्ट मिलेगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। एक जमाना था जब केके साहब कहा करते थे कि मेरे पास तो सब्जेक्ट का खजाना है। देखने वाले थक सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं थकूंगा। आज कहां गया वो खजाना? माँ, आप बहुत पुराने जमाने की बात कर रही हो, आपके अपने जमाने की। तब शायद केके साहब इंडस्ट्री में पूरी तैयारी के साथ आए हों। अब तक कितनी हिट फिल्में दे चुके हैं वो। कितनी अच्छी बात है, जब केके के पास सब्जेक्ट थे तो वो मुझे घास भी नहीं डालता था। कहता था मुझे बाय बर्थ कलाकार चाहिए, कला जिसके खून में दौड़े। ओह, तो अब समझी माँ कि आप केके साहब से किस बात का बदला ले रही हैं। इसी बात का ना,
कि उन्होंने आपको हीरोइन के तौर पर लॉन्च नहीं किया? नहीं, सिर्फ यही नहीं है। फिर और क्या वजह हो सकती है? वक्त आने पर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा, पर मैं केके को कभी माफ नहीं कर सकती। और उससे बदला लेने का बस यही एक तरीका है कि वो तेरे लिए तड़पे, तुझे हीरोइन बनाए और तुझे उर्वशी से ऊंची टॉप की स्टार बना दे। उस दिन मेरा इंतकाम पूरा होगा। सालों साल इस इंतकाम की आग को अपने सीने में दफन करके रखा है, और आज मैं मंजिल के इतने करीब हूँ। अरे हाँ, लगा फोन उस क्रिएटिव पागल सन की डायरेक्टर की साहब को, और बड़ा झटका दे कि अब तू बेचैन है, तड़प रही है उनकी याद में। और हाँ, उनसे कह कि तेरा मन कभी कभी सुसाइड करने को करता है। ऐसा क्यों माँ? ऐसा इसलिए कि मैं केके की नस नस जानती हूँ। वो बहुत सेंसिटिव है, भावुक है, जज्बाती है, और इस कलयुग में रख कुल रीति पर चलता है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और ये तेरा सुसाइड का झटका शायद उसके अंदर से कोई नया सब्जेक्ट निकाल सके। ठीक है माँ। हेलो केके साहब। हाँ मीरा, कहो, कैसी हो, कहाँ पहुंची अब तक? पुरी से निकलकर मैं महाकाल की यात्रा के लिए उज्जैन पहुंच गई हूँ, शिव जी की शरण में, क्योंकि पता नहीं क्यों मन करता है कि इस नाशवान शरीर को मिटा दूं। अचानक ही मन में ऐसे विचार आने लग गए हैं। पर क्यों मीरा, मैं तुम्हारे कारण ही तो अज्ञातवास पर हूँ, तुम्हारे कारण तो भटक रहा हूँ। इस डिप्रेशन में जाने का क्या मतलब? मैं आपको कैसे समझाऊं केके साहब? यूं समझिए कि मैं मृत्युशैया पर हूँ और मुझे संजीवनी बूटी ही बचा सकती है। आप उस संजीवनी बूटी की तलाश पर निकले हैं, पता नहीं कब मिलेगी संजीवनी, कब और कब मेरे अंदर पुनर्जीवन लौटेगा। समझ गया मीरा, सब समझ गया। हमारी मीरा का टैलेंट छटपटा रहा है, हा? और यही छटपटाहट मृत्युशैया है, और सब्जेक्ट मिलना संजीवनी बूटी। देखते हैं कब सब्जेक्ट मिलता है। देखो मीरा, ये फैसले ऊपर वाले के हाथ में है, ना तुम्हारे ना हमारे। तुम्हें धैर्य रखना होगा मीरा, धैर्य रखना होगा। अब फोन रखता हूँ। ओके बाय। वाह बेटी, क्या डायलॉग मारा है। बेचारा केके डायरेक्टर घायल हो गया होगा। हाँ, तो हमें हमारे इंटरनेशनल माफिया चीफ से मैसेज मिल चुका है। अब हम आप लोगों से आप लोगों की अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। और हाँ, मिस्टर जग्गू जौहरी, मिस्टर सुनामी एंड मिस बला, ये लाइव टेलीकास्ट है। इस कैमरे के जरिए हमारा चीफ आपको देख सकता है, सुन सकता है, इसलिए जो भी कुछ कहें सोच समझ कर कहें, जो भी प्लान्स बताएं, अचीवमेंट्स बताएं, रियलिस्टिक होने चाहिए। याद रहे, आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जान भी ले सकती है।
चीफ ने 500 करोड़ रुपए मिस्टर जग्गू जोरी के नाम जमा करवा दिए बतौर एडवांस। वही 500 करोड़ रुपए जो सुनामी का कर्जा था। अब मिस्टर जग्गू जोरी आपका समय शुरू होता है, कहिए आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेशनल माफिया चीफ को जग्गू जोरी का सैल्यूट। मेरा प्लान ये है कि हिंदुस्तान के 50 असरदार अमीर लोगों में से एक अमीर आरसी श्रीवास्तव को मैंने अपने कब्जे में कर रखा है और उसके कई गुप्त रहस्य मेरे कब्जे में है। मेरा बेटा उसकी बेटी से इश्क करता है, उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और उनकी शादी होने वाली है। शादी होने वाली नहीं, समझो शादी हो गई। शट अप। चीफ को तुम्हारे बेटे की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस का प्लान बताओ। चीफ का टाइम बहुत कीमती। चीफ, इंडियन माइंड को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ये जग्गू जौहरी का इंडियन माइंड है जो वो को सोच लेता है जो आपकी समझ से बाहर है। बेटे की डील तो सुननी ही पड़ेगी बॉस, क्योंकि ये मेरी पहली डील है। मेरा बेटा ही इस डील में मोहरा है। चीफ तुम्हारे कॉन्फिडेंस से खुश हुआ। कहो क्या कहना चाहते हो? मेरा इकलौता बेटा डॉक्टर है, मैं आरसी को बेवकूफ बनाकर बहुत बड़ा अस्पताल खोलूंगा और अपने बेटे का दहेज वसूलूंगा और मैं अस्पताल के अंदर से लिवर, किडनी और बहुत से ह्यूमन ऑर्गन्स का व्यापार शुरू कर दूंगा। गुड गुड, चीफ मुस्कुरा रहे हैं। अब डील डन। अगर ये डील सक्सेस हुई तो चीफ तुम्हें इंटरनेशनल ग्रुप में शामिल करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चीफ। Congratulations, Mr. Jaggujori. Thank you. Great. Thank you. Great, Mr. Jaggujori. Thank you. Wonderful. Congrats. Thank you. Dynamic personality, Jaggu. I love you. Thank you. Great. Thank you, Mr. Maleshwar. आज से आपका काम होगा कि human organs को international market में supply करना और उनकी payment वसूलना। I'll do that. और सुनामी, तुम बतौर assistant मेरे लिए वो चीजें arrange करोगे जिसकी मुझे जरूरत होगी। और मिस वेला, तुम आज से मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी। यस। और मिसेस बलेश्वर, आप बहुत खूबसूरत हैं, मगर आप अपने खूबसूरती का फायदा नहीं उठाती हैं, फिर भी आप हमारे बोर्ड की एक एडवाइजिंग मेंबर हैं। आज की मीटिंग ओवर। खूबसूरत चेहरों पर उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जैसे कि आपके चेहरे पर। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? धर्म संकट। धर्म संकट? मिस्टर प्रेम विलियन, जो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, वो आज एक धर्म संकट में है। हाँ उर्वशी, आज प्रेम मानव धर्म के संकट में फंस गया। क्या उर्वशी जान सकती है कि वो धर्म संकट क्या है? सर्वेक्षणी। सर्वेक्षणी वो कंप्यूटर वाली, राइट, जिसके ऊपर तुमने करोड़ों रुपयों का दांव लगाया है? यस, वही। तो क्या हुआ, उसने तुम्हें धोखा दिया या फिर उसके प्रोजेक्ट में दम नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है उर्वशी। तो फिर क्या है कि
क्या आपका उसके साथ बिजनेस के अलावा कोई और भी रिलेशनशिप है? यस। कैसी रिलेशनशिप? क्या वो भी आपसे? यस, शी बिलीव्स मी एंड शी लव्स मी टू मच। एंड यू लव हर टू? ऑफ कोर्स आई लव हर टू। हर इंसान का वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहां कौन